जिला पुलिस द्वारा शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को चने की ओट में हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 900 पेटी ट्रक सहित जब्त कर ली गई। इस मामले में रेवाड़ी के रहने वाले चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। 15 दिन में हमीरगढ़ पुलिस की यह दूसरी बड़ी कार्यवाही है। डीएसपी सदर राजेश आर्य ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को हमीरगढ़ थाना प्रभारी सुगन सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल फिरवाड़ा चित्तौड़ हाईवे स्थित स्वरूपगंज चौराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। अल सुबह अजमेर की ओर से आए एक नए ट्रक को पुलिस ने रोका। तलाशी लेने पर उसमें चने की बोरियों के नीचे दबा कर रखी शराब की 925 पेटियां मिली। पुलिस ने अवैध शराब को ट्रक सहित जब्त कर रेवाड़ी निवासी चालक महासिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में चालक यादव ने उक्त शराब हरियाणा से लदान कर गुजरात ले जाने की बात कबूल की है। वहीं थाना अधिकारी सिंह ने बताया कि जब्त शराब की कीमत 90 लाख रुपए है, जबकि पकड़े गए ट्रक की कीमत 35 लाख रुपए है। उल्लेखनीय है कि हमीरगढ़ थाना पुलिस ने 15 दिन पहले ही एक ऐसी बड़ी कार्यवाही करते हुए गुजरात ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 550 पेटी जब्त की थी। एसपी साहब द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध शराब की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान आज हमारी हमीरगढ़ थाना पुलिस की टीम ने NH-79 पर स्वरूपगंज चौराहे पर सघन नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक में 925 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब 90 लाख रुपये। ये शराब हरियाणा से गुजरात की ओर ले जाई जा रही थी। हमारी हमीरगढ़ थाना पुलिस की यह 15 दिनों में अवैध शराब के विरुद्ध दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जिले में हो रही लगातार अवैध शराब और मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान भीलवाड़ा जिला तस्करों के लिए कब्रगाह सिद्ध होता जा रहा है। ये सभी निर्देशन श्रीमान एसपी साहब द्वारा किया जा रहा है।